नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या ई अकेडमी पर। देखिए, आज जो आप देख रहे हैं पीछे क्या है आपका, डूरंड कप। ये जो अभी डूरंड कप 2023 का आयोजन जो है 3 सितंबर 2023, कब 3 सितंबर 2023 को जो है इसका क्या खेला गया है, फाइनल खेला गया है। आज हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे इसके बारे में और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल करेंगे। एक ही वीडियो में आपको रट जाएगा कि डूरंड कप से संबंधित जितने भी आपके वनडे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो सभी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। तो देखिए, आज का जो मोटिवेशनल कोट है, जो मन में हो वो सपना मत तोड़ना, जो आपने डिसाइड कर लिया है उसको, उस सपने को कभी मत तोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना। यदि आपको सामने दिख रहा है कि ये मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आपको कभी रास्ता नहीं मोड़ना है। कदम कदम पर मुश्किल मिलेगी आपको, सितारे छूने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। आपको भी पता है कि ये लाइफ जो बहुत स्ट्रगल है, आपको तैयारी करते रहना है निरंतर, और एक ना एक दिन जो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आज का टॉपिक क्या है आपका, हमारा डूरंड कप 2023। अभी जो है हमारा डूरंड कप 2023 का क्या हुआ है, आयोजन हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी है। चलिए, तो देखिए, अभी अगर आपसे पूछ लिए कि 2023 में कौन सा संस्करण जो है आपका आयोजित किया गया, तो डूरंड कप का ये कौन सा संस्करण था, 132वां जो है संस्करण आयोजित किया गया आपके। देखिए, प्रायोजक में अगर आपसे पूछ ले तो इंडियन ऑयल, साथ में जो है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कहाँ की कंपनी है, महाराष्ट्र की, तो इन्होंने जो है डूरंड कप का क्या कराया है, आयोजन जो है कराया है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और विस्तृत जो है जानकारी आप उसमें नोट करते रहिए। उद्घाटन अगर आपसे पूछ ले कि उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कोकराझार असम में जो है इसका उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। कब से कब तक ये प्रतियोगिता चली, तो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो 24 टीमों ने जो है इसमें कुल पार्टिसिपेट किया। तो डूरंड कप 132वां इसका संस्करण था, 3 अगस्त से 3 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया, कहां पर, असम में जो है इसका उद्घाटन जो है माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। आगे फाइनल मैच अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनल मैच जो है कहां खेला गया, तो फाइनल मैच आपका खेला गया विवेकानंद युवा क्रिंगन कोलकाता स्टेडियम में जो है इसका फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच हुआ, तो आपको दिख रही है क्या, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच जो है कब, 3 सितंबर 2023 को क्या खेला गया, डूरंड कप 2023 का जो है फाइनल मैच खेला गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डूरंड कप 2023 की जो विजेता है वो कौन सी टीम है, तो मोहन बागान जो है ये क्या है, 2023 की जो है विजेता टीम है। चलिए आगे आगे देखते हैं विजेता कौन है, मोहन बागान सुपर जॉइंट, यानी SGB लिखा हुआ है तो सुपर जॉइंट हो जाएगा। यदि आप मोहन बागान के नाम से याद रखते हैं तो भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जाएगा। तो ये है आपकी मोहन बागान की क्या है, ये टीम है। आप भी जब सफलता प्राप्त कर लेंगे तो ऐसे ही करके क्या है, फोटो खिंचवाएंगे कि हाँ हमने क्या कर ली, सफलता जो है हासिल कर ली। उप विजेता आपका ईस्ट बंगाल है, उप विजेता कौन सी टीम है, ईस्ट बंगाल है। कुल गोल कितने किए गए इस पूरे टूर्नामेंट में, तो कुल गोल जो है इस पूरे टूर्नामेंट में 130 जो है कुल गोल किए गए हैं। आगे देखेंगे, देखिए कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे गोल्डन ग्लव्स का है, गोल्डन बॉल का है, और किसका है आपका, गोल्डन बूट का है। ये तो इसमें क्या है, 3 अवार्ड दिए जाते हैं, एक दिया गया है गोल्डन ग्लव का, एक दिया गया है गोल्डन बूट का, और एक दिया गया है गोल्डन बॉल का। यानी देखिए, ये है आपका गोल्डन बूट का अवार्ड, यानी सोने की क्या है, सोने का क्या है, ये क्या है, बूट यानी जूता, और ये क्या है, ग्लव्स, और ये क्या है आपकी, सोने की बॉल जो है दी जाती है। तो गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड प्रभु सुकन गिल को दिया गया है, ये किस टीम के, ईस्ट बंगाल जो है टीम के हैं। दूसरा गोल्डन बूट का अवार्ड डेविस लाल हल सांगा को दिया गया है, मोहम्मदन सपोर्टिंग टीम के क्या है, ये प्लेयर है। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया, नंद कुमार शेखर को दिया गया है, ये किस टीम के हैं, ईस्ट बंगाल जो है टीम के हैं। तो गोल्डन ग्लव्स का, बॉल का, और किसका है, बूट का अवार्ड है आपका। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब आपके बहुविकल्पी प्रश्न आ गए, जितने आपने अब तक जितनी भी डाटा जो है पढ़ लिया है उसको अब हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो
तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, डूरन कप का संबंध किस खेल से है। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि डूरन कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरन कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, फुटबॉल से संबंधित जो है ये कप है आपका। आप जरूर बताएंगे आपके 30 में से कितने प्रश्न जो आपके बिल्कुल सही गए हैं। तो डूरन कप 2023 में कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया, तो 130, 31, 32, 33, तो कौन सा था, 132वां जो है आयोजन किया गया है 2023 में। अगला है डूरन कप 2023 का उद्घाटन जो है किसने किया, तो किसने किया है आपके रक्षा मंत्री, कौन, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं कौन है, राजनाथ सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है असम में। डूरन कप 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो ये आपका कितना है 20, 21, 22 और 24, तो कितनी टीमें थी, 24 कुल टीमों ने जो है भाग लिया है, ये है आपका डूरन कप। अगला नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका डूरन कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो कब से कब तक किया गया इसका, 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक जो है इस कप का आयोजन किया गया असम में। आगे है डूरन कप 2023 की मेजबानी कहां की गई, कोलकाता, गुवाहाटी, असम या उपरोक्त सभी। तो देखिए इस कप की जो मेजबानी है वो तीनों जगह की गई है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम और कोकराझार असम, तीनों जगह जो है इसकी मेजबानी की गई है, तो उपरोक्त सभी क्या जाएगा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन उद्घाटन असम में किया गया है। डूरन कप 2023 का जो विजेता है वो कौन सी टीम रही है, ईस्ट बंगाल, एफसी गोवा, मोहन बागान या रॉयल स्कॉट्स, तो कौन है आपका, मोहन बागान जो है इसका क्या है विजेता है आपकी, देखिए मोहन बागान डूरन कप 2023 का क्या है विजेता टीम है आपकी। अगला प्रश्न है डूरन कप 2023 का उप विजेता कौन रहा है, ईस्ट बंगाल, एफसी गोवा, मोहन बागान या रॉयल स्कॉट्स, तो कौन रहा है, ईस्ट बंगाल जो है इसका क्या है उप विजेता है, फाइनल मैच जो है ईस्ट बंगाल और किसके बीच खेला गया, मोहन बागान के बीच। डूरन कप 2023 में कुल कितने गोल किए गए हैं, तो कितने गोल किए गए हैं, 130 गोल जो है इसमें किए गए हैं डूरन कप 2023 में। नेक्स्ट है आपका डूरन कप का जो आयोजन है वो कौन करता है, तो देखिए AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्या होगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो कल्याण चौबे जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, कल्याण चौबे जी जो हैं इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं AIFF। तो देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और साथ में डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी है, इन दोनों को मिलाकर यानी ये दोनों संयुक्त रूप से जो है इस कप का क्या करते हैं आयोजन। देखिए एक संस्था और है आपकी फीफा, तो फीफा के बारे में भी आप देख लीजिए, फीफा भी किस संस्था से संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ये संस्था भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए कि फीफा की स्थापना कब की गई, तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई। हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष यदि आपसे पूछ लिए जाए कि फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो ये वर्तमान में क्या है फीफा के अध्यक्ष हैं। तो फीफा भी फुटबॉल से संबंधित संस्था है और भारत की संस्था कौन सी है AIFF है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका डूरन कप की स्थापना कब की गई, यानी पहला जो डूरन कप है वो कब खेला गया, तो डूरन कप की स्थापना 87, 88, 89, 86 तो कब की गई 1889 में जो है इसकी स्थापना की गई डूरन कप, ये देखिए क्या लिखा है सिंस 1888। नेक्स्ट अगला, सर्वाधिक बार डूरन कप का विजेता टीम कौन सा है, कौन सी है। अब तक क्या था कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान बराबर बराबर पे थे यानी 16-16 थे, लेकिन अब जो है एक बार और जीतकर मोहन बागान जो है ईस्ट बंगाल से क्या निकल गया है आगे निकल गया है, इसने कौन सी बार 17वीं बार जो है इस प्रतियोगिता को जीता है। नेक्स्ट
अगला है डूरंड कप 2023 में गोल्डन ग्लव का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? विशाल कैत को दिया गया, विशाल कैत, डेविड लालनसन, नंद कुमार शेखर या प्रभु सुकन गिल। तो किसको दिया गया ये वाला अवार्ड? दिया गया प्रभु सुकन गिल को, जो है क्या दिया गया है, गोल्डन ग्लव का जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार है नंद कुमार शेखर ने जीता है या किस टीम से संबंधित है तो आपको बताना है, मोहम्मदन एफसी है, ईस्ट बंगाल एफसी है, मोहन बागान है या गोकुलम केरल जो है एफसी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? ईस्ट बंगाल एफसी से क्या है ये संबंधित है आपके, जो टीम हार गई है। मोहन बागान ने कितने वर्षों के बाद इस कप को जीता है? तो मोहन बागान ने जो है इससे पहले इसे 2000 में जीता था। कब जीता था? 2000 में। तो कितने वर्ष हो गए? 23 साल के बाद जो है भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। 23 साल बाद मोहन बागान ने जो है इस प्रतियोगिता को जीता है, इससे पहले 2000 में जो है जीता है। डूरंड कप 2023 का फाइनल मैच कहां खेला गया आप बताइए फटाफट से। तो क्या होगा इसका आंसर सही? ए आंसर जो है बिल्कुल सही है, विवेकानंद युवा भारतीय क्रिकेट संघ और कोलकाता में जो है इसका फाइनल मैच खेला गया। ये है आपका फुटबॉल का क्या है, स्टेडियम। नेक्स्ट, अगला है सर्वाधिक बार लगातार डूरंड कप किस टीम ने जीता है, यानी लगातार हर वर्ष। तो ऐसा करने वाली टीम है आपकी मोहन बागान। कौन सी टीम है? मोहन बागान। तो इन्होंने जो है 2 बार इस कप को जीता है लगातार, देखिए 63, 64 और 65। उसके बाद 63, 64, 65 हो गया, ये 3 बार का जीता है इन्होंने लगातार जीता है। उसके बाद 84, 85 और 86 ये लगातार इन्होंने जीता है, यानी 63, 64, 65 और 84, 85, 86। तो मोहन बागान ने 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता है ये आपको बताया था कि गोल्डन बूट का अवार्ड जो है किसने जीता है, तो डेविड लाल हल सांगा ने जो है किसका अवार्ड जीता है, गोल्डन बूट का जो है अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है डूरंड कप की शुरुआत कहां की गई, यानी पहला जो डूरंड कप 1888 में जो खेला गया कहां इसका आयोजन किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहां किया गया इसका आयोजन? शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है पहली बार 1888। पहला डूरंड कप किस टीम ने जीता था जब 1888 में जब पहला टूर्नामेंट हुआ था डूरंड कप, किस टीम ने जो इसको जीता है? पूर्वी बंगाल एफसी गोवा, मोहन बागान, तो रॉयल स्कॉट्स फ्यूशियर्स ने जो है इस कप को पहली बार 1888 में जो है जीता है। नेक्स्ट, डूरंड कप के संस्थापक कौन है? एडवर्ड जेनर है, एलेसांड्रे वोल्ट है, माइकल फेराडिया, हेनरी मार्टिन डूरंड। तो हेनरी मार्टिमम डूरंड जो है इस कप के क्या है, संस्थापक हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, कमेंट करें। नेक्स्ट, तो डूरंड कप 2022 का विजेता कौन है? 23 का भी हमें याद रखना है और 22 का भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका जो विजेता है वो कौन है? एफसी गोवा जो है डूरंड कप 2022 का क्या है, विजेता है आपका। सन हेनरी मार्टिगन कब से कब तक भारत के क्या रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, ये आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 84, 82, 84, 94, 86, 94, 87, 96। तो कब से कब तक रहे हैं ये? 84 से लेकर 94 तो जो है भारत के क्या रहे हैं, विदेश सचिव जो है आपके रहे हैं। AIFF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, 1937 में इसकी स्थापना है। तो मैंने आपको बताया इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे जी जो है इसके वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष हैं AIFF के। AIFF की स्थापना कब की गई? तो AIFF की स्थापना कब की गई? 1937 में, 23 जून 1937 में इसकी स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैड्रिका कप, मड्रिका कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी? तो देखिए ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, इसका नहीं है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है, रोवर्स कप का भी फुटबॉल से है और मड्रिका कप का भी संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी। डूरंड कप जीतने वाली पहली आर्मी टीम कौन सी है, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, आर्मी येलो और आर्मी पिंक? तो इसका क्या आंसर होगा सही, इसका आंसर है आर्मी ग्रीन। इसने कब इसका खिताब को जीता है, तो 2016 में जो है पहली बार आर्मी की टीम जो है क्या बनी है, इसकी विजेता बनी है।
स्वतंत्रता के बाद पहली बार डूरंड कप किस टीम ने जीता है? स्वतंत्रता यानी 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया उसके बाद इस कप को जो है किसने जीता है? तो आपको बताना है रॉयल स्कॉट फीजर्स, बंगलुरु एफसी, हैदराबाद सिटी पुलिस या मुंबई एफसी। तो इसको किसने जीता है? हैदराबाद सिटी पुलिस ने जो है इस खिताब को जीता है। फीफा का संबंध किस खेल से है? मैंने आपको बताया कि फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जानी इन्फेंटिनो। तो इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से संबंधित क्या है, संस्था है आपकी। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपको फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर टिक करना है। कमेंट बॉक्स आप भर दीजिए कि इसमें कितने खिलाड़ी जो है होते हैं फुटबॉल में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो पेज है वो कौन सा है? विद्या ई अकेडमी है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। बस आप लाइफ में कभी हार ना माने, हमेशा क्या करते रहें, प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन जो है सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।